दोस्तों पोको की तरफ से एक जबरदस्त स्मार्टफोन पोको C50 इनकी आ गया है एकदम जबरदस्त प्राइस पर। ये 7000 से नीचे आता है यानी 6 से 7 हज़ार रुपए की प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो फोन है अपने आप में फिंगरप्रिंट सेंसर भी लेकर आता है इस बजट में। अगर हम बात करते हैं किसी अनदर स्मार्टफोन से तो पोको में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको 5000 mAh की बैटरी इस फोन में देखने को मिल जाती है। और आज इस वीडियो में इसी फोन की अनबॉक्सिंग करेंगे एंड मेरे फर्स्ट इंप्रेशन एंड मेरे रिव्यू के बारे में आपको देने वाले हैं कि ये फोन आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कुछ इस तरीके का बॉक्स है हमारे पास और यहाँ पर लिखा है ऊपर पोको C50। पोको C50 यहाँ पर बैक साइड अगर बात करते हैं बहुत सारे स्पेक्स मेंशन है जिनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। सबसे पहले इसको बॉक्स को ओपन करते हैं तो बॉक्स को मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, मैंने चेक किया था फोन उसके बाद आपके लिए लेकर आए। तो एक बार हम फिर से दिखा देते हैं बॉक्स में क्या कंटेंट है। सबसे ऊपर हमको अगर एक फ़ोन देखने को मिल जाता है, इसको हम सबसे पहले नीचे रखते हैं। बॉक्स में हमको एक चार्जर देखने को मिल जाता है एंड साथ में एक माइक्रो USB डेटा केबल देखने को मिल जाती है। और ये जो चार्जर है ये 10 वॉट का चार्जर है, बहुत ही मिनी और छोटा 10 वॉट का चार्जर जो कि बहुत पहले आया हुआ करता था। और एक वही हमारी माइक्रो USB चार्जिंग केबल है। तो इस बॉक्स को रखते हैं साइड में और बात करते हैं अपने स्मार्टफोन पर। जब ये बॉक्स से निकल कर आता है तो इसको ना सीधा हम इस रैपर को हटा देते हैं और इसको फ़ोन को निकाल लेते हैं बाहर। तो कुछ इस तरीके का लेदर बैग डिज़ाइन में ये फ़ोन आता है और ये प्लास्टिक का बैग है बट ये पर लेदर डिज़ाइन देखने में लग रहा है। टेक्सचर जो है बहुत ही ज़बरदस्त दिया है और बैक साइड में आपको एकदम कुछ नया चीज़ दिख रहा होगा। इस बजट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जहाँ पर ये फ़ोन अपने आप में वाकई ज़बरदस्त होता है। पीछे साइड दो बड़े बड़े कैमरास दिए हैं जो कि इसी प्लास्टिक बैग के अंदर ही हैं और ये 8 MP के पोर्ट्रेट मोड के साथ आते हैं। ये जो कैमरास हैं ये आपको एक बजट फोटोज़ दे देते हैं, लाइक अगर आप डेली के कुछ फोटोज़ क्लिक करते हैं तो वो एकदम दे देते हैं कम प्राइस वाले। और यहाँ पर अगर बात करते हैं सेल्फी की तो सेल्फी में आपको आगे 5 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर यहीं पर उनके स्पेक्स बात करते हैं तो आगे आपको 6.52 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस बजट में जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की तो मीडियाटेक का हीलियो A22 2 GHz पर बेस्ट देखने को मिल जाता है और कंपनी वाले कहते हैं LPDDR4X का रैम मैनेजमेंट भी देखने को मिल जाता है। बट ये सब कुछ ना एकदम उड़ती उड़ती बात है, हम ऑन द बॉक्स बात नहीं करेंगे, हम ऑन द फोन बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनके स्पेक्स और इनके फीचर्स की और लाइक फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको आगे 5 MP सेल्फी के साथ साथ नीचे माइक्रो USB चार्जिंग जिसके पास में आपको एकदम 3.5 mm का जैक साथ में एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और ऊपर साइड आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाता है। स्पीकर सबके ऊपर साइड दिए गए हैं, साथ में यहाँ पर आपको कोई सेंसर वगैरह नहीं दिया गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट और इनके फीचर्स की बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट जहाँ तक हमने ट्राई कुछ थोड़ा समय सा लगता है, जैसे हमने यहाँ पर एकदम क्लिक किया तो आगे डिस्प्ले में आने तक थोड़ा सा टाइम लग जाता है या फिर आप डिस्प्ले का जो बटन है उसको पावर ऑन करके टच कीजिए तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बट डिस्प्ले ओपन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सेंसर तो काफ़ी मुझे लगता है फास्ट है बजट को देखते हुए बट डिस्प्ले में जो आगे आता है वो थोड़ा टाइम ले लेता है तो इसलिए मुझे यहाँ पर कोई ऐसा डाउट नहीं लगा है अगर हम बजट को देखते हुए बात करते हैं। बाकी यहाँ पर हमने इसका परफॉर्मेंस चेक किया तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाकर दिखाते हैं एंड्रॉयड वर्जन 12 Go Edition देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पूरा 12 बज जाएगा जब आप फ़ोन में देखते हैं 12 Go Edition देखने को मिल जाता है। यहाँ सर आप वॉच को इस तरीके से चला भी सकते हैं तो गो एडिशन का ये स्मार्टफोन है। यहाँ पर आपको डुअल ऐप्स जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर अगर हम और फीचर्स की बात करते हैं तो 2 GB रैम के साथ आता है। यहाँ पर आपको 32 GB की मेमोरी देखने को मिल जाती है, 3 GB रैम का भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कनेक्टेड डिवाइस में आप सारे ब्लूटूथ वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले हमने चेक किया है, डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो एक बजट के हिसाब से ठीक है, कोई इशू नहीं है बट आप बहुत ज़्यादा हम अच्छी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। साउंड की बात करते हैं तो डेली लाइफ के लिए कोई इशू नहीं है बट बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है अगर हम रेडमी के या फिर पोको के कुछ हैवी परफॉर्मेंस वाले फ़ोन की बात करते हैं बट डेली लाइफ में इस फोन से कोई दिक्कत नहीं होने वाले। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर रिकमेंडेशन ऐप यहाँ पर नहीं दिया गया, ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी है। कुछ एक दो ऐप्स हैं न्यूज़ वगैरह के जिनको आप इंस्टॉल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हो जाते हैं जो कि गूगल के ही तरफ से हैं तो गूगल के ऐप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी कोई थर्ड पार्टी ऐप्स इस फोन में
नहीं है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी इस गो एडिशन फ़ोन की। बाकी हमने स्पीकर्स, ग्रिल, माइक्रो सब कुछ चेक किया, मुझे कोई इशू नहीं लगा। अगर इस फ़ोन के हम बजट को देखते हुए बात करते हैं, 6 से 6,500 रुपये के बजट में ये एक ज़बरदस्त फ़ोन है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। और हम स्पीड की बात करते हैं इस फ़ोन की, कि इसका जो रैम मैनेजमेंट का, तो इसकी क्वालिटी है, तो नो डाउट कोई इशू नहीं लगा है। अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं एक बजट को देखते हुए, और ये मुझे हर बार बात करनी है बजट को देखते हुए, मतलब बजट में ये अच्छा फ़ोन हम कह सकते हैं। बाकी हमने कैमरा वगैरह के फोटोज़ को सैंपल ट्राई किए, आप स्क्रीन पर हमारी देख सकते हैं। ये जो सैंपल है ये बैक कैमरा के 8 मेगापिक्सल से क्लिक है, जहाँ पर डे लाइट और आप नाइट में कुछ अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हैं। बाकी पोर्ट्रेट में ठीक ठाक फोटोज आ जाते हैं, बहुत अच्छा पोर्ट्रेट तो नहीं है। और नॉर्मल HDR पर आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी है। बाकी अगर हम फोटो वीडियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप वीडियो जो है 1080p 30fps पर शूट कर सकते हैं, 720 30fps भी शूट कर सकते हैं। और फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो ये दोनों ऑप्शन आपको फ्रंट में भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी पोर्ट्रेट वगैरह जिसे आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो स्मार्टफोन है ये आपके लिए बजट फ्रेंडली होने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताएं। इस फोन से आपको क्या नॉलेज मिली है ये भी मुझे बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।